राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की 9वीं निदेशक मंडल दूसरी वार्षिक साधारण बैठक और वानिकी तथा जैव विविधता संरक्षण समिति की 5वीं बैठक शासन सचिवालय स्थित समिति कक्ष में आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता वन पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन एवं राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड अध्यक्ष संजय शर्मा ने की। बैठक में मंत्री संजय शर्मा ने RFBP द्वितीय परियोजना के कॉर्पस फंड के बेहतर उपयोग के निर्देश दिए। जायका परियोजना निदेशक ने जायका के सहयोग से क्रियान्वित की जाने वाली नवीन परियोजना CRESEP के बारे में विस्तार से जानकारी दी और योजना के मुख्य क्रियाकलापों के संबंध में अवगत कराया। मंत्री संजय शर्मा ने परियोजना से संबंधित गांवों को राजीविका के स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के लिए निर्देशित किया, साथ ही मृदा एवं जल संरक्षण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। साधारण सभा की गत बैठक के कार्यवाही विवरण का भी अनुमोदन करने के साथ ही बैठक में आगामी महत्वाकांक्षी परियोजना CRESEP के संबंध में मंत्री और अन्य सदस्यों के सुझाव लिए गए, साथ ही बैठक के एजेंडे का भी अनुमोदन किया गया। वन मंत्री ने निगम के राजस्व को बढ़ाने के लिए पर्यटन स्थलों और जैविक उद्यानों, चिड़ियाघरों, वन्य जीव अभयारण्यों में पर्यटन गतिविधियों को निगम के अधीन संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में वर्ष 2021-22 के लेखे पारित किए गए। राजस्थान में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सुझावों पर विचार किया गया। वन विभाग से उक्त कार्य राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को हस्तांतरित करने पर भी विचार किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव वन पर्यावरण अपर्णा अरोड़ा ने निगम की कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निगम के बोर्ड सदस्यों से 3-4 सदस्यों की कार्यकारिणी समिति के गठन का सुझाव दिया, जिसको वन मंत्री की ओर से अनुमोदित कर दिया गया। बैठक में निगम की ओर से राजस्व बढ़ाने के लिए पर्यटन स्थलों, जैविक उद्यानों, चिड़ियाघरों एवं वन्य जीव अभयारण्यों में पर्यटन गतिविधियों को शुरू करने पर चर्चा की गई। निदेशक मंडल की बैठक में इको टूरिज्म तथा अन्य गतिविधियों के जरिए राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से निदेशक मंडल द्वारा एक कार्य समिति के गठन के निर्देश दिए गए। उक्त समिति निगम के बिजनेस प्लान तथा इसकी कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए भी निदेशक मंडल को सुझाव देगी। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा, हॉफ अरिजीत बनर्जी, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक उदय शंकर, MNE के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक KCA अरुण प्रसाद और वन विभाग विशिष्ट सचिव बीजो जॉय सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।